हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में मैं अपने बालों को कट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड में मेरे बाल ऐसे ख़राब जैसे हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं और नीचे के बाल जो हैं वो दोनों ही हो गए हैं, तो इसलिए मैं अपने बालों को कट कर रही हूँ। कट करने से पहले बालों को सबसे पहले अच्छी तरह से सुलझा लूँगी। मैंने अपने बालों को दोनों साइड करके इसलिए सुलझाया क्योंकि ऐसे में एक भी फंसे नहीं रह जाते हैं, बाल पूरे सुलझ जाते हैं अच्छे से। उसके बाद आपको अपने पूरे बालों को ऐसे आगे करके, जैसे मैं आगे कर रही हूँ वैसे आगे करके एक आगे चोटी बनानी है। वैसे मैंने एक रिबन लगा के चोटी बना ली थी और फिर उसमें आपको दो तीन रबड़ लगानी है। आप देखते जाइए कैसे मैं कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ये बाल इधर उधर डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने बीच में इनको रबड़ लगा ली है और आपको जितनी लेंथ रखना हो उतनी आप नीचे रबड़ लगाएंगे। तीन रबड़ लगाई हुई है मैंने, तो आप नीचे रबड़ लगा लेंगे जितनी लेंथ रखनी थी। पानी डाले हो, पानी डालने से बाल बहुत अच्छे कटते हैं इसलिए मैंने पानी डाला बालों में स्प्रे बॉटल से। रबड़ को खिसका लेंगे जितनी आपको लेंथ तक काटना है। मुझे थोड़ा ही काटना था क्योंकि सेट कर रही हूँ मैं, तो उतनी मैंने रबड़ नीचे खिसका के जिससे बाल यहाँ वहाँ ना हो इसलिए मैंने नीचे खिसका के रबड़ को अच्छे से कट कर लिया बालों को। उसके बाद आपको अपने बालों को ट्रिम करना है। ट्रिम करने से हमारे बालों में बहुत ही नेचुरल लुक आता है गाइस। ट्रिम जरूर करना चाहिए, इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे लुक देते हैं। प्लीज़ गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको ज़रूर सीखने मिलेगा। और प्लीज़ अगर आप न्यू आए मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लुक लग रहा है, लग भी नहीं रहा कि मैंने अपने बालों को काटा है नीचे से। उसके बाद मैं अपने बालों में सामने की लेयर कट करूंगी। आपको आपके सामने की लेयर काटने के लिए सबसे पहले बालों को दो भागों में डिवाइड करना है। बीच से मांग निकाल ली थी मैंने, उसके बाद दोनों को अच्छे से डिवाइड होने चाहिए। आते आते इधर उधर ज़्यादा होते हैं तो उससे डिस्टर्बेंस हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको वी शेप बनानी है, जितने एक्स्ट्रा बाल थे उनको मैंने पीछे कर दिया अपने बालों को। उसके बाद जो आपने वी शेप बना के बाल लिए हैं ना उनको कॉम करके एकदम आपको स्ट्रेट लेना है। मैंने पानी डाल दिया था तो पानी से इधर उधर नहीं होते, अच्छे से चिपके रहते हैं बाल, तो आपको बालों को एकदम स्ट्रेट रहना है। स्ट्रेट लेने के बाद जितने आपको लेंथ रखनी है वहाँ तक उंगली लगाएंगे और फिर कट कर लेंगे। तो मैंने अपनी लेंथ जहाँ तक रखनी थी वहाँ तक रखी है, उसके बाद बालों को कट कर लिया। करना बहुत जरूरी है गाइस, इससे आपके बालों को बहुत ही नेचुरल लुक मिलता है, तो ट्रिम तो आपको बहुत अच्छे से करना है। हाँ, ध्यान रखें ज़्यादा ट्रिम नहीं करना है, उससे बालों का लुक भी बिगड़ सकता है। आप देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है मेरे सामने की लेयर्स का, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे गाइस तो प्लीज़ लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू आए हैं तो। लेयर्स काटी है तो पीछे के बाल भी जो मेरे बड़े थे तो उनको भी मैं सेट कर रही हूँ। आप देख लीजिए जो आप एक्स्ट्रा वी शेप में ही आपको लेने हैं बालों को और अप टू डाउन आपको कट करना है। अगर आप पीछे से ले रहे हैं तो डाउन टू अप, और अगर ऊपर साइड से कर रहे हैं तो अप टू डाउन। ऐसे में क्या है कि आपके बालों में एकदम लेयर कटिंग दिखती है और अच्छा लुक लगता है। ऐसे आपको आपके सारे बालों को काट लेना है आगे साइड के, जैसे मैं काट रही हूँ।
के बाद जो भी एक्स्ट्रा बाल रह गए हैं, जो भी एक्स्ट्रा हेयर हमारे रह गए हैं काटने के लिए, तो उसके लिए भी मैं अपने बालों को ऐसा आधे भागों में डिवाइड कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने अपने बालों में आप देखिए पीछे चोटी बना ली है और आधे यहाँ बीच से मांग निकाल के कान के जस्ट पीछे से आपको पूरी मांग निकाल लेनी है और अपने बालों को आगे कर लेना है। बाल पीछे वाले मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे इसलिए मैंने उनको चोटी बना ली और अब आप देख लीजिए कि कैसे मैं कट कर रही हूँ। लेयर में ऐसा है ना गाइस कि आपके पूरे बाल दिखते हैं, जो भी आपके कान के पीछे तक रहते हैं वो पूरे आपके आगे ही आ जाते हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि उनको भी सेट करें। तो वो बाल मेरे रह गए थे अभी ऐसे में, इसलिए मैं उनको अच्छे से सेट कर रही हूँ। उनको भी आपको सेम ऐसे ही करना है। अगर आप नीचे साइड से काट रहे हैं बालों को तो आपको आप ही तारीफ करी मेरे बालों की कि कट बहुत अच्छा लग रहा है, कटिंग बहुत प्यारी लग रही थी सबको। किसी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने खुद से अपनी कटिंग करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।